जय हिंद मित्रों, अब हम हल करेंगे कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 6.4 का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इसको हल करेंगे। कितना है पहला संख्या? पहली संख्या है 402। दीर्घ विभाजन यानी भाग विधि से हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। दो दूनी 4, घटा दिया कुछ नहीं बचा, यहाँ पे उतारे हमने 2, इसको दोगुना कर दिया तो ये हो गया 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 शेष बचा रहता है और 4 का भाग 2 में हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग और पूर्ण संख्या प्राप्त करना है। दशमलव में प्राप्त नहीं करना, पूरी की पूरी संख्या प्राप्त करना है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ पे 2 शेष बचा रहता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि 402 का दीर्घ विभाजन विधि से, वर्ग मूल ज्ञात करने पर कितना बचेगा? 2 शेष बचता है। इसलिए हमें 402 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या चार सौ दो माइनस 2 इक्वल्स टू 400 और वर्गमूल 400 बराबर 20, यानी 400 का वर्गमूल 20 होगा, क्योंकि इसमें लिखा है प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो 402 का वर्गमूल हो जाएगा 20। नेक्स्ट सेकंड नंबर इज 1989, 1989। इसका भी हम दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 19 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 4 16। अब इसको इसमें से घटा देंगे, 3 बचेगा। हाँ, इसको यहाँ पे जोड़ना है। अब उतारे अपन ने 89, 9 है ये, ध्यान रखिए। ये हो गया आपके 4 4 8, 8 6 32, 4 बार भाग करेंगे, 4 6 16 और 4 8 32 और 1 33, 4 6 16, 4 नहीं 6। अब इसको यहाँ जोड़ देंगे हम तो ये 88 हो जाएगा। इसको यहाँ पे घटा देंगे, 9 में 6 गए 3 बचे, 8 में 3 गए 5 बचे, 53 शेष बचेगा। चूंकि 1989 का भाग विधि, यहाँ पे दीर्घ विभाजन विधि भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, एक ही विधि है, से वर्ग मूल
ज्ञात करने पर 53 शेष बचते हैं, इसलिए हमें 1989 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या 1989 माइनस 53 बराबर कितनी हो जाएगी? 9 में 3 गए 6 बचे 8 में 5 गए 3 बचे 1936 हो जाएगी। और 1936 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 44। यह इसका उत्तर हो जाएगा। थर्ड वन इज तीन हजार दो सौ पचास। इसका भी हम वही हल करेंगे जो दो का किया था। 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएंगे तो 5 25 घटाए बचे 7 5 और 5 10। उतारे 50 10 37 70 7 बार 7 7 49 और 7 1 7। इसको घटाने पर 1 बचेगा, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि 3250 का भाग विधि से वर्ग मूल ज्ञात करने पर 1 शेष बचता है, इसलिए 3250 में से 1 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वह संख्या कितनी है? वह संख्या है 1। तो 3249। 3249 का वर्गमूल 57। यह उत्तर हो गया। अगली संख्या है चौथी 825। चौथी संख्या है 825। 825 का वर्गमूल विधि
भाग विधि से निकालेंगे, दो दूनी चार, तीन त्रिकोण दो दूनी चार, यहाँ से चार, यहाँ से चार, उतारे 25, चार अट्ठे 32, तो 8 बार करेंगे, 8 रिंग 64 की 4, हाँ सलाई 6, 8 चौक 32 और 6, 38, घटाइए तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचे 4 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, चूंकि 825 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर 41 शेष बचते हैं। इसलिए 825 में से 41 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और वह संख्या 825 माइनस 41 बराबर कितने होगा, 5 में से 1 गए 4 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचे, 784 और 784 का वर्गमूल होगा 28, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब बचे आपकी एक संख्या यानी 4000। अब हम 4000 का वर्ग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 4000 इसमें भी दो जोड़े बनते हैं, 6 × 36 घटा दो 4 बचे, 6 में 6 जोड़ दो तो 12 होगा, ये उतारी अपन ने 200। अब 12 × 36 तीन बार भाग जा पाएगा, 3 बार तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे 126 हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गए 1 बचा, 10 में 7 गए 3 बचे। तो इसमें भी वही लिखना होगा कि चूंकि 4000 का दीर्घ विभाजन विधि से वर्ग मूल ज्ञात करने पर कितना शेष बचता है, 31 शेष बच जाते हैं। इसलिए 4000 में से 31 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वह संख्या
4000 ऋण 31 बराबर 9 6 9 3969 3969 होगी और वर्गमूल 3969 बराबर 63 यह उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कृपया मुझे ये सुझाव ज़रूर भेजें कमेंट के माध्यम से कि मैं और क्या जोड़कर क्या घटाकर अपने प्रस्तुति को सहज सुंदर बना सकता हूँ।